राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे नशे की लत के बारे में कि उसे कैसे छुड़वाया जा सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही जटिल सी समस्या है, क्योंकि जो कोई रोग हो उसको तो समझा जा सकता है, दवाई हो सकती है, इसके हैं उपचार तो आयुर्वेद के अंदर बहुत हैं, लेकिन समस्या वहाँ आती है जब कई बार क्या होता है, जो नशा करने वाला व्यक्ति है वो स्वयं यही ठान ले कि उसे छोड़नी ही नहीं है, उसका चाहे मन करे ना करे उसे पीनी ही पीनी है। आयुर्वेद में तो यहाँ तक की दवाइयाँ हैं कि आपको यदि शरीर में कोई विटामिन मिनरल्स की कमी आने पे कई बार क्या होता है, किसी का तला हुआ खाने का ज्यादा मन करता है, किसी का मीठा खाने का ज्यादा मन करता है, किसी का नमकीन नमक खाने का ज्यादा मन करता है, तो डेफिनेशंसी की वजह से ये जो मीठा नमकीन तीखे तले हुए ये जो चीजें हैं ये लिमिटेड मात्रा में तो बॉडी में नुकसान नहीं करती भी, हम जैसे खाते हैं ये, लेकिन जब हम इसे अति कर देते हैं बहुत ज्यादा तो ये शरीर में नुकसान करती है। तो उन चीजों के लिए मन ना करे, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका हम सेवन करें तो उनका मन नहीं करता, तो अपने आप वो खानी कम हो जाती है या छूट जाती है। लेकिन 100 में से 2 पेशेंट के साथ होता क्या है, उनकी खुद की जिद होती है या वो अपनी जिंदगी में परेशान होते हैं, उनका जीवन मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि उनके जीवन का उन्हें ही पता है कि वो किस कारण से नशा कर रहे हैं और छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कई बार क्या होता है, गलत संगति की वजह से गलत आदतों में इंसान पड़ जाता है और छोड़ना चाहकर भी नहीं छोड़ पाता, कुछ तो उपाय पता नहीं होते और कुछ इतना आदी हो जाता है, इतनी लत लग जाती है कि पीछे मुड़कर देखने का रास्ता नहीं रहता। तो ये एक बहुत ही बोलूं तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए बात करें, यदि हम स्वयं की छोड़ने की इच्छा है या नहीं है, लेकिन यदि इन चीजों का सेवन करें तो उसका मन नहीं करेगा, फिर भी बहुत ज्यादा जिद करके भी पीनी ही है या नशा करना ही है, वो खुद कर रहा है तो उसका तो कुछ कह भी नहीं सकते। आपको करना क्या है, इन सब चीजों में जो तुलसी है, तुलसी को ऐसे ही माता नहीं कहा गया, तुलसी वास्तव में बहुत गुणकारी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यदि किसी नशा करने वाले व्यक्ति को 8 से 10 पत्ते कूटकर सीधा रस दिया जाए, सीधा नहीं कोई पीना चाह रहा पी रहा, तो आप मटके में डाल सकते हैं। जैसे 10 से 12 पत्ते तुलसी के आप तोड़ के मटके में डालें तो तुलसी इतनी कारगर है, तुलसी में इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, साइंटिस्ट इसको सिद्ध कर चुके हैं, जो कैंसर तक के कीटाणुओं को खत्म करता है और बनने नहीं देता। तो आप अंदाजा लगाइए ये कितनी अच्छी चीज है, और नशे के लिए इससे ऊपर कुछ नहीं है। जो सर्वोत्तम चीज है, सबसे पहले उपलब्ध हो सके, सबसे कम खर्चे में हो सके, सबसे पहले मैं वही बताती हूँ, उसके बाद तो बहुत ऑप्शन होते हैं। तुलसी आजकल हर घर में होती है, कहीं भी मिल जाती है, नहीं तो घर में लाके लगाइए, जब तक वो लगे उसके पत्ते बने, जब तक आप 1-2 महीने तक तुलसी सवरस कहीं से ले लें, पूरे मटके में 2 ढक्कन मिला दें, उसकी कोई स्मेल नहीं आती, कुछ नहीं होता, लेकिन गुण बहुत है, आप सोच भी नहीं सकते। और एक आप अपने धर्म का जो भी है, वैसे तो एक ही ईश्वर की संतान है, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय और सोच होती है, तो अपने ईश्वर के जो भजन हैं उनको आप सुबह शाम फोन में थोड़ी देर चला के छोड़ दें। उससे होता क्या है, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, और एक जो हवन होता है, पहले तो बोलते थे कि पंडितों का बनाया हुआ है, कोई लोग इनको मानते नहीं हैं, लेकिन अब ये साइंटिफिकली रिसर्च के साथ सिद्ध हो चुका है कि जो हवन होता है, हम कोई नीम की कोई खेजड़ी की, इन जो लकड़ियों से, सॉरी खेजड़ी नहीं, नीम आम की और उपलों के उपले जो होते हैं उनसे जो हवन किया जाता है घर के अंदर, घी डाल के, नारियल डाल के, कपूर, लौंग, इलायची, ये सब चीजें डलती है, तो ये बहुत ज्यादा शुद्धि करता है घर के अंदर, नेगेटिव एनर्जी को टिकने नहीं देता, पॉजिटिव एनर्जी आती है, कीटाणु खत्म होते हैं और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। दूसरा, जयपुर में
जो नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है उसके अंदर रिसर्च चल रहा है और सिद्ध भी हो चुका है कि जब हवन किया जाए तो हवन में जो इंसान बैठे, यदि उसको कोई रोग है, जैसे कोई हार्ट का मरीज बैठा है तो आप अर्जुन की छाल की आहुति दे, कोई शुगर का पेशेंट है तो आप गिलोय की आहुति दे, तो ऐसी चीजों से तुरंत देखा गया, तुरंत हवन में बैठने से पहले उनकी ये चीजें चेक की गई, हवन के बाद चेक की गई तो पाया गया कि उनका जो ये बढ़ी हुई शुगर और बीपी और ये जो चीजें थी वो कम थी। तो ये सिर्फ एक ही बार के हवन में सिद्ध हो चुका है, तो सभी से निवेदन करूंगी ज्यादा नहीं, 3-4 महीने से, 1 महीने से, 15 दिन से कर सकें बहुत अच्छा, नहीं तो 3-4 महीने से एक अच्छा हवन करवाएं। और जरूरी नहीं आप किसी से करवाएं, आप अच्छे से विधि सीख लें और आप स्वयं कर सकते हैं। अब ये साइंस भी कहती है, उसमें वो कुछ नहीं है कि एक प्रॉपर आदमी ही बना है या प्रॉपर एक जाति बनी है जो ही हवन कर सकती है, ऐसा नहीं होता। वो उनके अलग शास्त्र हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका वो काम है और उन्हें करने दीजिए। लेकिन जब आप घर की शुद्धि के लिए और रोगों के लिए जब आप हवन कर रहे हैं तो उसमें आपको किसी पर्सनल जाति या पर्सनल व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अच्छे से शुद्ध तरीके से स्नान करके अच्छे से, आपको विधि आनी चाहिए, आप कर सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है, मुश्किल लग रहा है, परिवार समाज में भी मैं समझ सकती हूँ, ऐसे होते हैं जो बोलते हैं महिलाएं नहीं कर सकती, ये तो वो जाति के नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, तो इन चक्रों में ना पड़े। आपको करना क्या है, सुबह शाम उपले जो होते हैं उनको आप अच्छे से उनका जला के धूपिया बना लें, जैसे बोलते हैं उपला सा, अच्छे से जब जल जाए तो उसको आप जो ये हम पूजा करते हैं, पूजा रूम में जो स्टैंड होता है जब हम व्रत खोलते हैं तो उपले को रखते हैं, उसमें उसको रखिए और उसमें रख के उसके ऊपर आप घी डालिए, थोड़ा नारियल काट के डालिए और जो आपको चीज अच्छी लगे, जैसे नीम के पत्ते अच्छे लगे, आम के पत्ते अच्छे लगे, थोड़ी आम की या लकड़ी का आप थोड़ा सा बुरादा डाल सकते हैं क्योंकि ज्यादा उस पर नहीं जलेगा और ना ही काम का होता है, थोड़ा इलायची लौंग डाले, जो आपको हवन के लिए उचित लगे, या हवन सामग्री थोड़ा डब्बा मंगा के रख लीजिए, उसको आधा एक चम्मच उस पर डेली डाल दिया और करें क्या, पूरे घर में घुमाएं इसको और फिर एक प्रॉपर जगह रख दे जहां बच्चे का हाथ ना जले, पैरों में ये ना आए, इसको ठोकर ना लगे और कहीं आग पास में कोई कपड़ा वगैरह ना हो, इन सब चीजों को देख के आप एक जगह इसको रख दें जिससे पूरे घर में महक जाती रहे। अगर दोनों टाइम आप नहीं कर सकते तो शाम को आप जरूर करें, तो ये देखेंगे एक बहुत ही, तो यदि दोनों टाइम नहीं संभव है तो शाम के टाइम आप एक टाइम करें, करके देखें, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको बहुत फर्क नजर आएगा और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है घर के अंदर। खाने में मैंने आपको बताया तुलसी के पत्तों का रस, ताजा पत्ते आप मटकी में तोड़ के डालें या उनका रस डालें और कैसे भी लें, यदि सुबह सुबह खाली पेट इनका रस पी लिया जाए तो और ही गुणकारी है। दूसरी चीज ये तो थी, यदि किसी की इच्छा है नहीं है बहुत अच्छा छुड़वा सकते हो, दूसरी चीज हमें करनी क्या है, जूस उनको देना है यदि वो पिए तो। किस चीज का जूस दे, लौकी के अंदर एलोवेरा और गिलोय दोनों चीज मिला के, क्योंकि जो लीवर है ये जो कोई भी नशा करते हैं तो इसमें चर्बी चढ़ना, फैटी होना या सूजन आना आम बात है, मिलेगा ही मिलेगा, तो लीवर को अच्छे से डिटॉक्स करना जरूरी है। उनको ज्यादा से ज्यादा फल खाने को दें जब भी उनका मन हो यदि खाएं तो, क्योंकि किसी को फोर्स नहीं करूंगी, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आगे वाला खाएगा, कईयों की कंडीशन घर में पूरे दिन रात वो पीते हैं, बहुत हालत खराब होती है, बच्चे बेचारे मुंह की तरफ देखते रहते हैं, उनको खाने का एक टाइम की रोटी चाहे ना मिले, रोते फिर गिराते, बहुत लोगों को देखा है, भगवान वैसी कंडीशन किसी घर की ना करें। सभी से निवेदन है अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को समझें, साथ से रहें, क्योंकि ये जीवन इतना सुंदर है ईश्वर ने हमें दिया है, तो इसको अच्छे से जिएं, कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि आप सोच के देखिए जो पशु पक्षी हैं हमसे, तो यदि किसी नशे वाले व्यक्ति को देखें ना तो उससे अच्छा तो हमें वो लगता है, लगने का कारण क्या है, क्योंकि उसको आप कभी भी देखना वो नशा नहीं करता,
अपने परिवार का कितना ख्याल रखता है। और यदि पशु पक्षी की हम बात करें ना, तो उनसे तो हम कितने हजार गुना अच्छी जगह हैं और कितनी हमें सुख सुविधा मिली हुई है। अब कोई कह देता है मैं दुखी हूं तो मैं नशा कर रहा हूं, एक बार सोच के देखिए, कबूतरों का जोड़ा होता है और एक कबूतर मर जाता है तो वो अकेला ही जीवन पूरा अपना बिताता है, कभी भी उसको क्या उसकी कमी महसूस नहीं होती। आपके तो कई बार होता है कि घर में पूरा परिवार है और फिर भी आप गलत राह पे चल रहे हो, तो दुख उनको भी आता है, उनके भी जीवन में कठिनाई आती है। एक वक्त के लिए खाने का उनका पहले से प्रबंध भी नहीं है। अपने अंदर झांक के देखिए, हम तो बहुत अच्छी जगह हैं, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, खाने को खाना दिया है, और आगे का कितने, हम तो अपनी संतान तक का सोचते हैं कि इतना कमा के छोड़ दें कि इसको पूरे जीवन ना कमाना पड़े। ऐसा तो आप सोच रहे हो, जैसे जिसकी सोच है वैसा करें, लेकिन विनम्र निवेदन है कि पशु पक्षी को देख के ही जीना सीखें। उनके जीवन में कठिनाइयां हैं उतनी तो हमारे है ही नहीं, प्रभु ने कितना अच्छा जीवन दिया, इसे अच्छे से जिए। जैसे एक कहावत है ना, और वो बहुत मुझे कभी कभी याद भी आती है और वो सही भी है, किसी ने किसी ग्रंथ में है, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, लाइनें थी, ये लिखा हुआ था कि पशु पक्षी को प्रभु ने चोंच दी तो दाना भी देगा, उसके पास पहले से कुछ प्रबंध नहीं है, वो फिर भी भूखा नहीं मरता, भी उसके पास पहले से कुछ चीज का प्रबंध नहीं होता, खुद ही करता है, सुबह निकलता है, पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन कभी देखा एक बंधा हुआ, यदि वो पिंजरे के अंदर पक्षी है चाहे बंधा हुआ पशु है, उसका तो मैं कह नहीं सकती कि वो भूखा मरे या किस कंडीशन में मरे, लेकिन जो बाहर घूम रहे हैं वो हमारी किसी वजह से चाहे मर जाए, या रोग भी किसी के प्रतिबंध नहीं है, कि हर किसी को होते हैं, रोग की वजह से मर जाए या कई बार इलेक्ट्रिक तारों की या किसी चीज से कटके गिर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो सुबह निकलते हैं, उन्हें कोई स्टोरेज नहीं है, तो भी वो कभी भूखा नहीं मरता। लेकिन इंसान के पास तो अपने खाने का तो स्टोरेज लगभग, कुछ लोग एक गरीब हैं, बाकी आजकल कोई नहीं है, लगभग अपना तो स्टोरेज रखते ही हैं, ज्यादा नहीं तो 15-20 दिन महीने का तो गरीब से गरीब ही रखता है। और अमीर लोगों की तो सोच है कि हमारी 7 पीढ़ियां भी भूख ना मरे, लेकिन फिर भी वो भूखा रहता है, वो उसकी जो लालसा है, भूख है, वो मिटती नहीं है। कारण क्या हुआ, ये बातें आप समझने की कोशिश करें कि पशु पक्षी का तो स्टोरेज ना होने पर भी वो कभी भूखे नहीं मरते, और इंसान का स्टोरेज है दाने का, फिर भी वो उसकी भूख मिटती नहीं। कारण क्या है, वो आगे से आगे लालसा रखता रहता है, मुझे ये चाहिए, ये मेरे संतान के लिए हो जाए, ये मेरे पोते पोतों के लिए हो जाए। तो जो भी है आप करिए, आपको कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो चीजें बनी थी तो शुरुआत में कोई नशे के तौर पर नहीं थी, दवाइयों के तौर पर उपयोग में आई थी, कुछ एक तो नशे के तौर पे ही आई थी, जैसे अंग्रेज आए थे भारत में तो अफीम की खेती करवा दी, शराब तो पहले से थी, तो जो शराब है, होम्योपैथिक जो दवाइयां बनती है वो अरक शराब की तरह ही बनते हैं, लेकिन उनमें जो नशा पैदा करने वाली चीजें होती है वो नहीं होती, तो एक लिमिटेड मात्रा में ये दवाइयों की तरह बनी थी। अति जैसे मीठे की और नमकीन की भी खराब करती है, वैसे नशे की तो अति वो पकड़ जाते हैं तो वो बहुत गलत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी दवाई के तौर पर आई थी और उनका बहुत दुरुपयोग होने लग गया। तो सभी से निवेदन है अपना ध्यान रखें, परिवार के साथ मिलजुल के रहें, भगवान ने बहुत अच्छा आपको जीवन दिया है, उपाय के तौर पे तुलसी का आप जो करेंगे ये सबसे उत्तम है, रिजल्ट है इसका, हवन आप कर सकते हैं, नहीं तो शाम को वैसे ही आप उपले का जो है आपको मैंने बताया वैसे आप घर में कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, कुछ पक्ष का नहीं है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कुछ नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। और यदि बोले तो उनको फ्रूट और जूसेस ज्यादा दें, जो लीवर को पचाने में मुश्किल हो वो चीजें कम दें, तो जिससे नशा करके तो उन्होंने खराब कर ही रखा है, लेकिन और खाने पीने की वजह से खराब ना हो, आप ये कर सकते हैं। बाकी भगवान से दुआ करूंगी कोई भी नशा ना करें, किसी चीज की आप लत ना पकड़े, अपना ध्यान रखें, आपके ध्यान, क्योंकि आपका जीवन आपका नहीं है, बहुत से लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। आपके संतान आपको बहुत चाहती है,
आपके माँ बाप आपको बहुत चाहते हैं, तो अपना ध्यान रखें, परिवार का साथ और जो आपका जीवन है उसका ख्याल रखें। भगवान ने बहुत अच्छी जिंदगी दी है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और एक बात और, यदि किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन अपने अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा नहीं कहा। और यदि किसी को बुरा लगे तो सॉरी, पर अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।